बरेली कॉलेज के अस्थायी कर्मचारियों ने डीएम को दिया ज्ञापन, उठाई घोटालों पर फिर कार्यवाही की मांग। शनिवार को बरेली कॉलेज के अस्थायी कर्मचारियों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देकर अवगत कराया। बताते चले, कॉलेज में चल रहे घपलों को लेकर अभी तक आरोपियों पर कार्यवाही। हम कर्मचारी कल्याण सेवा समिति बरेली कॉलेज बरेली की ओर से अपनी 6 सूत्रीय मांगों के लिए आज जिलाधिकारी जी से मिलने आए थे और जिलाधिकारी जी से मुलाकात तो नहीं हो पाई। ACM थर्ड साहब को हमने अपना ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमारी 6 मांगें हैं। नंबर 1 मांग है कि बरेली कॉलेज बरेली में हुए घोटालों में दोषी लोगों पर कार्रवाई हो। नंबर 2, बरेली कॉलेज बरेली में मची लूट को देखते हुए कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। नंबर 3, समस्त अस्थायी कर्मचारियों ESI EPF तथा न्यूनतम वेतन शीघ्र लागू हो। नंबर 4, समस्त स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों को वर्दी दी जाए। नंबर 5, बरेली कॉलेज बरेली के अस्थायी कर्मचारियों को जून माह का वेतन 3 दिन ब्रेक देकर दिलाया जाए। नंबर 6, बरेली कॉलेज बरेली में खाली पड़े स्थायी पदों पर अस्थायी कर्मचारियों समायोजित किया जाए। उपरोक्त मांगों को 1 सप्ताह के अंदर समाधान न होने पर हम कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन को बाध्य होंगे। ये कहते हुए हमने ज्ञापन दिया है और 1 सप्ताह के बाद यदि बरेली कॉलेज में जिन लोगों ने घपले किए हैं, घोटाले किए हैं, उन पर कोई सकारात्मक रुख हमें नहीं लगता है कि प्रशासन का है और उन पर कोई कार्रवाई हो रही है और हमारी जो मांगे हैं उनकी दिशा में जिला प्रशासन का क्या रुख है, उस पर क्या हो रहा है। जून माह चल रहा है, हम कर्मचारियों की डिमांड है कि 3 दिन ब्रेक दे करके बरसों परंपरा रही है, हमको जून माह का वेतन मिलता रहा है। ये पहला बरेली कॉलेज ऐसा है जहाँ पे जुलाई में हमारे बच्चों के एडमिशन होते हैं, काफ़ी किताबों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बरेली कॉलेज में जून माह में कर्मचारियों को सताया जाता है, परेशान किया जाता है, उनका वेतन तक नहीं दिया जाता है। एक तरफ जहाँ पूरे देश की सर्वोच्च अदालत सबको समान समान काम वेतन देने की बात करती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है सबको समान काम के समान वेतन मिले, वहीं बड़े दुख की बात है कि बरेली कॉलेज बरेली में हम लोगों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल पा रहा है, EPF नहीं मिल पा रहा है। और ये और ज़्यादा शर्मनाक तब है जब बरेली के अंदर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं और बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने का वादा भी संतोष जी ने किया है, वो अभी तक पूरा नहीं किया है। हम लगातार पैनी नज़र बनाए हुए हैं कर्मचारी लोगों, हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाया जाए ताकि यहाँ पर लूट बंद हो सके। हम यहीं चुप रहने वाले नहीं हैं, 1 सप्ताह के बाद भी अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बरेली के केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के घर पर बैठ करके धरना देंगे और उनको ये बताएंगे कि आप अगर सही ढंग से काम नहीं कर सकते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दीजिए या फिर हम कर्मचारियों की मांगों को पूरा कराइए और अपना वादा पूरा करिए।